प्रश्न है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन ने। और आपको बता दें कि हर्यक वंश की स्थापना करने का श्रेय बिंबिसार को जाता है और उस समय इसकी राजधानी राजगृह अथवा ग्रीवरज थी। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मगध की प्रथम राजधानी क्या थी, तो ये राजगृह अथवा ग्रीवरज थी, आप याद रखिए। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि इनमें से किस घटना के कारण लौटा दी थी अथवा वापस कर दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, जो कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। और आपको बता दें कि यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलती है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक इनमें से किस देश के संविधान से प्रभावित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानून बनाने की प्रक्रिया जापान देश से संबंधित है और भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। और भारतीय संविधान के विदेशी अंग अथवा किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है, ये सारे नोट्स हमने आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप अभी हमारे टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो आप ज्वाइन होकर के सारे नोट्स ले लीजिए, हमारे सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाई राजा जयसिंह ने इनमें से किस शहर में एक खगोलीय वैधशाला स्थापित की थी? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्जैन में। और आपको बता दें कि समाई राजा जयसिंह ने 5 शहरों में ये खगोलीय वैधशाला स्थापित की थी, जिनके नाम निम्न हैं, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन और जयपुर। तो आप इनको चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। और फिलहाल में जयपुर वाली वैधशाला चालू है, बाकी चारों वैधशालाएं बंद हो चुकी हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन RTE अधिनियम भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया अथवा पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये RTE अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संसद में पारित किया गया था और यह 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 के तहत किया गया था, क्योंकि वर्ष 2002 में अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने के लिए ये सारे कार्यक्रम किए गए हैं। और आपको बता दें कि यह RTE 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया था अथवा मान्य हो गया था। और ये शिक्षा का अधिकार इससे पहले हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 में था, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में था, लेकिन इसको वहां से हटा करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के काम में जोड़ दिया गया, जो कि अब एक मौलिक अधिकार भी है। तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इससे कई अनुच्छेद प्रभावित होते हैं। इससे हमारे मौलिक कर्तव्य भी प्रभावित हैं, क्योंकि 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि संविधान के भाग 4 के का और संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में है कि सभी माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें या फिर स्कूलों में उनको पढ़ाएं। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य जी हैं, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष जो कि 814 ईस्वी से 878 ईस्वी के दौरान राजा थे, उसी समय इस पुस्तक का लेखांकन हुआ अथवा लिखी गई।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिक्का नामक वाद्य यंत्र जो कि पंजाब में फेमस है और यह कई लकड़ियों से मिलकर बना होता है। तो आपके एग्जाम में जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता या फिर नरसी मेहता।